डार्बी एलेन ने रिटेन कर लिया अपना टीएनटी चैंपियनशिप और क्रिस जेरिको ने हरा दिया डैक्स हार्डवेट को और यंग बक्स ने रिटेन कर लिया अपना टैग टीम चैंपियनशिप और भी बहुत सारी चीज़ें हुई आज AEW डायनामाइट पे। तो गाइज मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं रेसलिंग हिंदी न्यूज़। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज AEW की स्टार्टिंग होती है AEW टैग टीम चैंपियनशिप मैच के साथ, जहाँ पे चैलेंजर थे रे फिनिक्स एंड पैक और उनके सामने थे यंग बक्स। और ये मैच स्टार्ट हुआ काफ़ी हाई पेस के साथ और इस मैच के स्टार्टिंग में हमें देखते ही लग रहा था कि यहाँ पर यंग बक्स हील है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक कर रहे थे रे फिनिक्स एंड पैक के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर एक बार तो किक आउट कर दिया पर पैक ने और मुझे लग गया था कि यंग बक्स यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे। लेकिन एंड टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं पैक एंड रे फिनिक्स ने भी एक क्लोज किक आउट किया है इन दोनों के ऊपर। और एंड में हमें देखने को मिलता है यंग बक्स यहाँ पर रिटेन कर लेते अपना चैंपियनशिप विथ ए लो ब्लो, और उसके बाद वो दोनों रे फिनिक्स का मास्क उतार देते और यहाँ पे बड़ी यहाँ पे क्या बोलूँ मैं हील तरीके से एक्ट कर रहे थे यंग बक्स। नेक्स्ट है मैच देखने को मिलता है वेलवेट वर्सेस जेट कारगिल और ये मैच भी काफ़ी ठीक ठाक मैच था और इस मैच के एंड में जेट कारगिल ने हरा दिया वेलवेट को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं ब्रिट बेकर बैकस्टेज एक इंटरव्यू दे रहे टॉनी शिवानी को और उस पर वहाँ पे बोलते कि वो AEW के ओमेंस रैंकिंग को नहीं मानते, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे वेलवेट यहाँ पे उनसे हारे हैं जेट कारगिल से, लेकिन फिर भी वेलवेट उनसे ऊपर रैंकिंग में और इसीलिए वो हेट करते इस AEW रैंकिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है मैच देखने को मिलते हैं एंथोनी ओगोलो और ये उनका इन रिंग डेब्यू था इन AEW और उन्होंने अपने डेब्यू में बहुत ही बढ़िया मैच दिया और यहाँ पर एंड में हरा दिया एक लोकल टैलेंट को और जीत लिया अपना पहला मैच एट AEW। नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है क्रिस जेरिको वर्सेस डैक्स हार्डवुड और ये भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था, बहुत ही हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिली इस मैच में और काफ़ी देर तक जेरिको एंड डैक्स के बीच में बैक एंड फोर्थ देखने को मिला। और एंड में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जेरिको हरा देते डैक्स हार्डवुड को और मैच के बीच में हमें देखने को मिलता है इनर सर्कल आ जाती है और यहाँ पर पिनाकल भी आ जाती है और ये दोनों आपस में ब्रॉल कर रहे होते और एक बार माइक टासन ने एक नॉकआउट पंच लगा दिया कैश व्हीलर के ऊपर और एंड में क्रिस जेरिको मैच को जीत लेते और यहाँ पर स्टेयर डाउन करते पिनाकल को और यहाँ पर क्रिस जेरिको मैच के बाद अनाउंस करते कि यहाँ पर माइक टासन इनर सर्कल के मेम्बर है बट एज ए ऑक्सिलरी मेम्बर। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले वीकेंड में क्या माइक टाइसन फिर से हमें दिखते AEW में। नेक्स्ट यहाँ पर बैक से एक प्रोमो देखने को मिलते हैं फ्रॉम AEW चैंपियन केनी ओमेगा, जहाँ पे वो खड़े विद यंग बक्स एंड गुड ब्रदर्स और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये उनका एक न्यू एरा है जहाँ पे केनी ओमेगा ही राज करेंगे और इस टाइप का कुछ प्रोमो था। नेक्स्ट है मैच देखने को मिलते हैं क्रिस टैलेंडर वर्सेस एम्बर नोवा और ये क्रिस टैलेंडर का एक मैच था आफ्टर हिज 10 मंथ्स इंजरी और इस मैच में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया क्रिस टैलेंडर ने और काफ़ी बैक एंड फोर्थ देखने को मिला इन दोनों के बीच में। लेकिन मैच में एंड में यहाँ पे क्रिस टैलेंडर ने हरा दिया एम्बर नोवा को। इसके बाद हमें एक थंडर रोजा का बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पे बोलते हैं वो बहुत जल्दी NWA वुमेंस चैंपियनशिप को कैप्चर कर लेंगे और उनके आई भी है AEW वुमेंस टाइटल पे, मतलब वो दोनों चैंपियनशिप को चाहती है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले वीकेंड में क्या होता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर क्रिस्टियन केज बाहर आते हैं और यहाँ पर टीम टैज भी यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं क्रिस्टियन केज को और उनको बोलते कि वो ज्वाइन करे टीम टैज को और यहाँ पे क्रिस्टियन केज डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते और इससे काफ़ी यहाँ पे गुस्सा हो जाते टैज और वो भेजते यहाँ पे पावर हाउस हॉब्स को अटैक करने क्रिस्टियन केज को और यहाँ पे वो ब्रूटली अटैक करते क्रिस्टियन केज को और ये अब ऑफिशियल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीक में मैच देखने मिलेगा क्रिस्टियन का अगेंस्ट पावर ऑफ हॉब्स, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा टीम टैज के साथ उनकी फ्यूड कैसी रहती है। नेक्स्ट हमें शो की मेन इवेंट में देखने को मिलता है मैट हार्डी वर्सेस डार्बी एलन फॉर द TNT चैंपियनशिप मैच और ओ माय गॉड मेरे ख्याल से मैट हार्डी से इतना बढ़िया परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये मैच स्टार्ट होता है काफ़ी अच्छे पेस के साथ लेकिन इस मैच में पे इंटरप्ट करते प्राइवेट पार्टी डार्बी एलन को, लेकिन यहाँ पर स्टिंग आ जाते और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को रिंग से बाहर फेंक देते। इसके बाद यहाँ पर इथन पेज एंड स्कॉर्पियो स्काई आते
लेकिन एक बार उनको इंटरप्ट करते हैं लांस आर्चर, और उसके बाद एक बार लांस आर्चर कॉन्फर्म करते हैं स्टिंग को और रिंग से बाहर चले जाते और एक बार प्राइवेट पार्टी को अटैक करते और मैच के एंड टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं मैट हार्डी एक सुप्लेक्स मारते डार्बी एलन के ऊपर, लेकिन डार्बी एलन उसको किकआउट कर देते और उसके बाद डार्बी एलन मैट हार्डी को एक लैडर के ऊपर से फेंकते, लेकिन फिर भी वो टू काउंट था और एंड में पर डार्बी एलन ने अपना फिनिशिंग मूव लगा के पिन कर लिया मैट हार्डी को और रिटेन कर लिया अपना AEW TNT चैंपियनशिप। और इस तरीके से आज की AEW की शो ऑफेयर चली जाती है। तो आज के AEW की शो उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक शो था। कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे कि आपको कैसे लगा आज के AEW का शो। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।